सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज की हमारी क्लास सिक्स क्लास सब्जेक्ट है साइंस, लेसन नंबर है हमारा 7। टॉपिक है पौधों को जानिए। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, आज इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इसमें अपन पौधों के बारे में पढ़ रहे थे। पौधे के मैंने तुम्हें मुख्य रूप से 3 भाग बताए थे, कौन कौन से थे पौधे के मुख्य भाग। चले देखते हैं कौन कौन से भाग हैं। पहला है जड़, दूसरा तना, तीसरा पत्ती। अब इसमें से भी अपन तने के बारे में पढ़ चुके थे, पत्ती के बारे में पढ़ चुके थे, आज अपन पढ़ेंगे जड़ के बारे में। इसके बारे में जड़ के बारे में, ठीक है। चलिए देखते हैं जड़ क्या होती है। सबसे पहले जड़ का जो मुख्य कार्य होता है, पौधे को मिट्टी में मजबूती से जमाए रखना। इन्हें मिट्टी में पौधे का स्थिरक भी कहा जाता है। ये क्या करती है, पौधे को भूमि में स्थिर रखने का कार्य करती है। इसी कारण से इन्हें मिट्टी में पौधे का स्थिरक भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, जड़ को कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जड़ों के प्रकार। जड़ें मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, और 2 प्रकार कौन कौन से हैं, मूसला जड़ और दूसरी होती है लकड़ा जड़, या उसे बोलते हैं रेशेदार जड़। चल देखते हैं इसको। जड़े मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, ठीक है। कौन कौन सी होती है, पहली होती है मूसला जड़। पहला प्रकार कौन सा है, मूसला जड़, ठीक है। दूसरा है रेशेदार जड़। दूसरा प्रकार कौन सा है, रेशेदार जड़, या इसे बोल सकते हैं हम जकड़ा जड़, जकड़ा जड़, ठीक है। जड़ों के 2 प्रकार बताए हैं, पहला है मूसला जड़, दूसरा है रेशेदार जड़। अब इन्हीं जड़ों के प्रकार के बारे में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास मूसला जड़। पहला है मूसला जड़। चलिए देखते हैं मूसला जड़ क्या होती है। सबसे पहले इसमें जो मुख्य जड़ होती है उसे क्या कहा जाता है, मूसला जड़ होती है। इसमें एक मुख्य जड़ होती है उसे क्या कहा जाता है, मूसला जड़ होती है, और उस जड़ से अनेक छोटी छोटी शाखाएं निकलती है, उसे क्या कहा जाता है, पार्श्व जड़ कहा जाता है। इसमें एक मुख्य जड़ होती है उसे मूसला जड़ कहा जाता है, उससे छोटी छोटी शाखाएं निकलती है, उन्हें क्या कहा जाता है, पार्श्वीय जड़ कहा जाता है। ये क्या होती है, आकार में असमान होती है। क्या होती है, ये आकार में असमान होती है। चलिए देखते हैं इनमें एक मुख्य जड़ होती है, मुख्य जड़ होती है जिसे क्या कहा जाता है, मूसला जड़ कहा जाता है, मूसला जड़ कहा जाता है। तथा इसी से कुछ छोटी 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 जड़ें निकलती हैं, जड़ें निकलती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, पार्श्व जड़ कहा जाता है, जिन्हें पार्श्व जड़ कहा जाता है, ठीक है। उदाहरण है जैसे चना, इसमें क्या होगा, जैसे कि मान लो ये अब जड़े भूमि के अंदर, तो इसमें एक मुख्य जड़ होगी इस तरह से, ये तो क्या है, मुख्य जड़, और इससे पार्श्व में क्या निकलेगी, छोटी छोटी जड़े इस तरह से, इन्हें क्या कहा जाता है, पार्श्व जड़।
और मुख्य जड़ को क्या कहा जाता है? मूसला जड़। ठीक है, नोट कर लेना इसे। चलिए देखते हैं, दूसरा है रेशेदार जड़, या इसे बोलते हैं जकड़ा जड़। अब इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी मुख्य जड़ नहीं होती है, ये आकार में क्या होती है? समान होती है। क्या होती है? ये आकार में समान होती है। और ऐसी जड़ों को क्या कहा जाता है? रेशेदार जड़ कहा जाता है, या जकड़ा जड़ कहा जाता है। चलिए देखते हैं इसमें किस तरह की जड़ें पाई जाएगी, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से परिभाषा नोट कर लेना। ये आकार में समान होती है, समान होती है। और उदाहरण है इसका गेहूं। ठीक है, नोट कर लेना इसे भी। कौन सी जड़ है ये? रेशेदार जड़, रेशेदार जड़ या जकड़ा जड़। ठीक है, नोट करो। चलिए अब देखा हमने कि जड़ें जो क्या कार्य करती है, मिट्टी से जल का अवशोषण करती है, तथा तना क्या कार्य करता है, जल व खनिजों को पत्ती एवं पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। पत्तियां कार्य करती है भोजन को संश्लेषित करने का कार्य करती है। यह भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित होता है, मतलब इकट्ठा होता है। इस प्रकार की कुछ जड़ें जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम व अन्य टोपियाको आदि को हम खाते हैं। हम पौधे के अन्य भागों को भी खाते हैं जहाँ भोजन का भंडारण रहता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं पुष्प। चलिए देखते हैं पुष्प क्या होता है। अब है पुष्प। पुष्प को कई भागों में बांटा गया है, कई भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग है, चलिए देखते हैं कौन कौन से भाग है इसका। पहला है, पहला इसका भाग है बाह्य दल। पहला क्या है? बाह्य दल। दूसरा है पंखुड़ियां। दूसरा क्या है? पंखुड़ियां, इसे बोलते हैं दल। क्या बोला जाता है? दल। तीसरा है पुंकेसर। तीसरा क्या है? पुंकेसर। और चौथा है स्त्री केसर। चौथा क्या है? स्त्री केसर। ये क्या है? पुष्प के कई भाग है, कौन कौन से हैं? बाह्य दल, दूसरा है पंखुड़िया जिन्हें दल भी कहा जाता है, तीसरा है पुंकेसर और चौथा है स्त्री केसर। पहले इनको नोट करना आप, और इन्हीं के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं पुष्प की संरचना। ये पुष्प का चित्र है, इसमें सबसे पहले मैंने बताया था आपको बाह्य दल। बाह्य दल क्या होता है? पुष्प के नीचे, पुष्प का ये वाला जो होता है इसका रंगीन भाग, ये वाला क्या होता है? इसका रंगीन भाग। और ये क्या होता है? इसका हरा भाग। पुष्प के ठीक नीचे, पुष्प के ठीक नीचे जो वाला जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? बाह्य दल। हरा जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? बाह्य दल। इसके ऊपर जो ये रंगीन भाग होता है वो क्या कहलाता है? इसकी पंखुड़ियां। ये वाला भाग क्या कहलाता है? पंखुड़ियां। इसे क्या कहा जाता है? दल। इसके बाद हम बात करते हैं इसके पुंकेसर। पुंकेसर जो होता है इसका नर भाग होता है। नर भाग को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में, पराकोष और पुतंदु। ये इसके, ये क्या है? ये वाला जो भाग होता है क्या कहलाता है? इसके पराकोष। और ये जो लंबी नलिका के रूप में दिखाई दे रही है क्या है? पुतंदु। इसके बाद हम बात करते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर जो होता है उसको मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? वर्धिकाग्र, दूसरा वर्धिका, तीसरा है अंडाशय। ये वाला जो भाग होता है इसका सबसे ऊपरी जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? वर्धिकाग्र। और इससे नीचे वाला जो ये लंबी नलिका के समान भाग है वो क्या कहलाता है? वर्तिका। और सबसे नीचे जो फूला हुआ भाग है वो क्या कहलाता है? इसका अंडाशय। क्या कहलाता है? अंडाशय। और इसी अंडाशय के जब हम काट देते हैं तो इसमें कुछ छोटी छोटी संरचनाएं दिखाई देती है, उन्हें क्या कहा जाता है? बीजांड कहा जाता है। ठीक है, बता लेना उसको। पुष्प के
जो रंगीन भाग होता है उसके ठीक नीचे जो हरा भाग पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? बाह्य दल कहा जाता है। उसका जो रंगीन भाग होता है वो क्या कहलाता है? पंखुड़े कहलाता है या दल कहलाता है। इसके बाद हमने बात की थी पुंकेसर, पुंकेसर को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा है। पुंकेसर को कितने भागों में बांटा है? दो भागों में। कौन कौन से हैं? परागकोश और उतंतुश, ठीक है। इसके बाद आता है ये क्या कहलाता है? इसका नर भाग। क्या कहलाता है? इसका नर भाग, ठीक है। इसके बाद आता है स्त्री केसर। स्त्री केसर को अभी तीन भागों में बांटा है। कौन कौन से हैं? वर्तिकाग्र, वर्तिका और तीसरा है अंडाशय। अंडाशय ये सबसे नीचे का भाग होता है, फूला हुआ भाग होता है, ये क्या कहलाता है? अंडाशय। और जब हम इस अंडाशय के एक अनुप्रस्थ काट काटते हैं तो इसमें कुछ छोटी छोटी संरचनाएं नजर आती है, उन्हें क्या कहा जाता है? बीजांड कहा जाता है। तो ये जो हमारा पुष्प वाला भाग हो चुका है, इस वाले लेसन में अपन ने किसके बारे में पढ़ा? पौधों के बारे में पढ़ा, जिसमें उसके कई भाग पड़े, जड़, तना, पत्ती। इसमें अभी अपन ने पुष्प में, पुष्प के बारे में पढ़ा, पुष्प में पड़े बाह्य दल, दल, पुंकेसर, स्त्री केसर, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आपको इसका होमवर्क करना है और व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है।